मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है कल रात में, तो यहाँ पर मेरा जो सेटअप है उसमें पानी भर चुका है और सेटअप उस हालत में नहीं है कि मैं उसमें वीडियो शूट कर पाऊँ। सो गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और देखिए कितना हरा भरा यहाँ माहौल है, हरी भरी घास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एंड देखिए यहाँ पे ये पानी, एंड देखिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने सेटअप पर एंड वहाँ पे दिखाऊँ। देखिए यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी है। चलो, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ ममता और आप देख रहे हैं ममता कृष्णा एंड ब्लॉग। तो आप सबके साथ में मैं एक रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने आज ऑर्डर किया हुआ, तो 6 से 7 दिन हो गए हैं और वो है ट्रिमर। तो ट्रिमर मैंने ऑर्डर किया था, उससे आज मैं हेयर कटिंग करके दिखाऊंगी और साथ में उसका रिव्यू भी करूँगी कि वो कैसा लगा, साथ में अपनी फीडबैक भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे जो है ना, मेरे पति देव जो है इसकी ओपनिंग कर रहे हैं, यानी कि इसको खोल रहे हैं। और इसको मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था और यहाँ पे आप देख सकते हो VGR का ब्रांड है, ये कंपनी है। और ट्रिमर मैंने मंगाया है बाहर से, पैकेज इसकी जो काफ़ी अच्छी थी, पैकिंग काफ़ी अच्छी किया था इसने। और उसके बाद चलिए इसको ओपन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ओपन हमने कर लिया है। उसके बाद ये देखिए इस तरीके का बॉक्स है ये, और ये है हमारा ट्रिमर। और इसके नीचे जो साइड है ना, उसके नीचे साइड इसके सारे मतलब दिए हुए हैं, जितने भी हेयर कटिंग का जो सामान होता है वो सारे। और इसमें एक कार्ड दिया है और ये ऑयल है। और मुझे हो रखी है थोड़ी सी ज़ुकाम, इस वजह से आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी। और इसमें जो ट्रिमर वाला जो दांत वाली चीज़ है ना, वो 4 दिया है कट करने के लिए, 4 अलग अलग स्टेप है, जैसे भी आप चाहो काट सकते हो हेयर को। और यहाँ पे ये है ट्रिमर, देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए ये 4 दिया है और ये ऑयल दिया है। और वहाँ पर छोटा सा ब्रश जो आपको दिख रहा है ना, वो मशीन वगैरह में जैसे बाल फंस जाते हैं ना, उसको साफ़ करने के लिए दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रिमर है, ये चार्जर दिया है, तो इससे हो जाएगी हमारी चार्जर। जैसे इसका मैंने रिव्यू देखा था ना, उसमें लिखा हुआ था कि 2 घंटे आराम से ये चल जाएंगे हेयर कटिंग के लिए, लेकिन 1.5 इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। और चलिए बेटे पे हम कर रहे हैं ट्राई। ये मेरा छोटा वाला बेटा है ऋतिक, और इसकी हेयर कटिंग हो रही है, इसके पापा कर रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो हेयर कटिंग करने के बाद की लुक दिखाएँगे। कटिंग तो काफ़ी अच्छे से हो रही थी, इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और दोनों बेटे का मैंने हेयर कटिंग किया था और बैटरी भी डिस्चार्ज अब तक नहीं हुई थी, तो हेयर कटिंग तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसके बाद का मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे चेयर पे बैठा हुआ है, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बाहर लेके आई। इसको मेरे छोटे वाले बेटे को भी थोड़ा सा ज़ुकाम हो रखा है, इसलिए थोड़ा साइड साइड सा इसका आवाज़ साइड साइड सा दिख रहा है। और ये देखिए पीछे का ये लुक है, और काफ़ी अच्छा काटा था, फर्स्ट टाइम मैंने हेयर कटिंग किया था और काफ़ी अच्छा कटिंग हो गई थी। और ये देखिए ये मेरा बड़ा वाला बेटा है, और बड़े वाले बेटे को भी ऐसे किया था। यहाँ पर कितने नंबर से मैंने हेयर कटिंग है आपको अगर जाना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसकी फुल डिटेल में वीडियो भी बना दूंगी। मैं अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, सुबह का मैंने आप लोगों को दिखाया था हेयर कटिंग के लिए मैंने ट्रिमर मंगाया था ऑनलाइन, तो आप लोगों को मैंने दिखाया था। और उसी से मैंने दोनों बेटे का हेयर कटिंग किया था, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया, काफ़ी अच्छा कटा था, फर्स्ट टाइम काटी थी। वैसे आता नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम काटने के हिसाब से ना अच्छा कट गया था। और ट्रिमर की बात करें तो काफ़ी अच्छी थी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। और उसके बाद मैं अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, छोटे वाले बेटे को मैंने सुला दिया है, क्योंकि उसकी सुबह से जगा रहता है ना तो वो थक जाता है, तो थोड़ा अभी सो लेगा ना आधे एक घंटे, तो शाम में मस्त खेलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने कपड़े धोकर भी ऊपर पसार दिया है, सुबह से पसार ही नहीं थी, मैं सो गई थी, नहा खा कर ना सो गई थी। तो मौसम भी ऐसा हो रखा है, सुबह बारिश हो रही थी, अभी बहुत कड़क धूप हो रखी है, तो मुझे लगा कि धूप होगी ही नहीं, इसलिए मैंने कपड़े पसारे ही नहीं थे। तो जब सो के उठी हूँ तो देखी कि बहुत अच्छा खासा धूप निकल रखा था, तो मैंने कपड़े छत पे डाल दिए हैं सूखने के लिए। और अभी शाम के बज रहे हैं 4:30, तो मैं जा रही हूँ अभी, 4:30 से ज़्यादा ही हो रहा होगा, तो अभी जा रही हूँ मैं चाय चढ़ाने। और आज मैंने सुबह में कोढ़ा की कोहरा हमारे साइड बोलते हैं, उसकी सब्जी बनाई थी और दही चूड़ा खाया था मैंने, काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज बना था। तो बाकी कुछ नहीं बनाया था सुबह में,
और ऐसे फैला पड़ा है। दोपहर में बच्चों को मैंने थोड़ा सा नमकीन वगैरह दे दिया है और वो लोग सो, छोटा वाला सो गया है, बड़ा वाला बेटा जगा हुआ है, वो अपना टेबल याद कर रहा है, ये देखिए। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि सुबह में चाय पी थी और गर्मी की वजह से ऐसे तो 3-4 बार चाय बना लेती हूँ, लेकिन सुबह चाय पी थी, उसके बाद फिर मन नहीं किया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी तलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है चाय की। तो फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने और चाय बनाने के बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। एक्चुअली मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है कल रात में, तो यहाँ पर मेरा जो सेटअप है उसमें पानी भर चुका है और सेटअप उस हालत में नहीं है कि मैं उसमें वीडियो शूट कर पाऊँ। बैठने तक का जो जुगाड़ नहीं है वहाँ पे, काफ़ी जो मेरा बैकग्राउंड है वो भीग चुका है एंड नीचे भी काफ़ी पानी पानी हो गया है, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर चुका है इस साइड का। देखिए यहाँ, और ये देखिए मकान गिर चुका है इस साइड का, देखिए यहाँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ काफ़ी, और आप लोगों से एक बात भी कहना चाहती हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग मुझे देखते हैं जानते हैं, तो उन सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि एक सचिन भाई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें देख रहे हैं, सह रहे हैं और YouTube पे वर्क कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते हैं। मैंने पहले भी सचिन भाई के लिए जो है ना वीडियो कॉन्ग्रेचुलेशन का बना के भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने उनकी वीडियो देखी थी, वैसे तो उतनी मुझे टाइम मिलती नहीं है, मैं खुद की वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊँगी लेकिन नहीं बना पाई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सचिन भाई की सपोर्ट करो, उनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक यूट्यूब ऐसा जरिया है कि अपना सपने साकार कर सकते हैं, सपने को सच कर सकते हैं। तो उनका अभी कुछ दिन पहले उन्होंने डाला था, उनके बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी, कच्चा मकान था उनका और वो पानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। आज मैंने उनकी फिर से वीडियो देखी और वो अपना कैसे भी करके सेटअप जो है अरेंज किए, मतलब बनाए, और फिर आज उन्होंने वीडियो डाला था। मतलब वो यूँ कहना कि वो बंदा इतना दुख झेलने के बाद भी यूट्यूब पे वर्क कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग उनका सपोर्ट करिए जा कर के। और मतलब कहा जाता ना कि हंसते हंसते गम छुपा लेते हैं, बस वही हाल है, इतना दुख झेलने के बाद भी उनकी वीडियो है हमेशा आती रहती है और काफ़ी मेहनत करते हैं, कभी भी औरों की तरह रो रो के वीडियो नहीं बनाए कि आप मेरा सपोर्ट करो। बहुत लोग होते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ होता है रो रो के सिंपैथी पाने लगते हैं, बोलते हैं सपोर्ट करो, ये वो वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी वो हंसते हंसते वीडियो बनाए हैं और उनके जो मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द दिखाई दे रहा था वो साफ साफ आप लोग देख सकते हैं। मैं वीडियो भी प्ले कर दूंगी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और उनके चैनल पे ज़रूर जाइएगा। मैं उनके चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या कम्युनिटी कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, आप सब भी उनका सपोर्ट करिए और उनको आगे तक ले जाइए, उनको भी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे भी है, तो प्लीज़ मेरा भी सपोर्ट करिए और मेरे जितने व्यूवर्स हैं उनका भी सपोर्ट करिए, उनकी भी वीडियो देखिए। अगर आप लोग को अच्छी लगी है, उनकी वीडियो अच्छी लगेगी, तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को हम यही पेंट करते हैं। आई होप कि मेरा ब्लॉग, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और खास करके ट्रिमर कैसा लगा, हेयर कटिंग कैसी लगी हो, कमेंट करके साथ में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।